महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जो कि अब काफ़ी वायरल हो रहा है। उन्होंने अपने इस पोस्ट में शोम्पेन जनजाति के एक सदस्य की तस्वीर अपलोड की है। इस जनजाति ने पहली बार ग्रेट निकोबार में मतदान में भाग लिया। आज के इस वीडियो में हम इसी जनजाति के बारे में जानेंगे। दरअसल जिस व्यक्ति की तस्वीर उन्होंने पोस्ट की है वो शोम्पेन जनजाति से हैं जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप के मूल निवासी हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में शोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने पहली बार अंडमान और निकोबार लोकसभा क्षेत्र में अपना पहला वोट दिया। यह उनके राजनीतिक अधिकारों में भागीदारी की दिशा में पहला कदम है और चुनावी प्रक्रिया में इस जनजाति की भागीदारी का काफ़ी महत्व भी है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार भारत में 8.6% आदिवासी आबादी है जिसमें 75 समूह शामिल हैं जो PVTG श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि पहले से दुर्गम क्षेत्रों में मतदान केंद्र स्थापित करने का लाभ मिला है जिसके चलते इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों को बड़े पैमाने पर मतदान प्रक्रिया में शामिल किया जा सका। चुनाव आयोग के अनुसार पिछले 11 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान 14 आदिवासी समुदायों से करीब 9,00,000 पात्र मतदाता थे। चुनाव आयोग के विशेष प्रयासों के चलते इन राज्यों में आदिवासी समूहों का 100% मतदान मिला है। शोम्पेन जनजाति के लोग द्वीप के घने जंगलों में रहते हैं और यह शिकार पर निर्भर रहते हैं। यह अपनी अनूठी भाषा और संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। बता दें कि इन्हें भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जनजाति यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति की कुल जनसंख्या 229 थी जिसे भारत की सबसे छोटी जनजातीय समूह में से एक माना जाता है। इस जनजाति के लोग प्रकृति के साथ संबंध रखने के साथ विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों के बारे में भी जानकारी रखते हैं। शोम्पेन जनजाति बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से बचती है क्योंकि यह बाहरी लोगों से खतरा होने का डर महसूस करती है। उन्हें लगता है कि बाहरी लोगों के संपर्क में आने से उन्हें बीमारी हो सकती है, उनका शोषण किया जा सकता है या उनके निवास स्थान को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। बता दें कि भारत सरकार आदिवासी जनजातियों के लिए विकास और उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं चलाती है जैसे कि संवैधानिक संरक्षण यानी भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों को विशेष दर्जा देता है जो उन्हें शिक्षा, रोजगार और सरकारी पदों पर आरक्षण सहित विभिन्न विशेषाधिकार प्रदान करता है। साथ ही वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदायों को उनके पारंपरिक वन अधिकारों को मान्यता देता है जिसमें वन संसाधनों का उपयोग करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार शामिल है। दूसरा है आर्थिक विकास कार्यक्रम। सरकार आदिवासी समुदायों के आर्थिक विकासों को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है जिसमें कौशल विकास, उद्यमिता विकास और कृषि सहायता शामिल है। तीसरा है शिक्षा और स्वास्थ्य। सरकार आदिवासी बच्चों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए विशेष प्रयास करती है। इसमें एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आदिवासी स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना जैसी कई योजनाएं शामिल हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।